कुछ लड़कों के पास थोड़ा सा पैसा आ जाए तो उनको छोटी कद वाली नहीं लंबी कद वाली लड़की चाहिए। साले चाइनीज मुर्गी की नाजायज टिड्डी औलाद, खुद का कद तो गटर के ढक्कन जितना 1.5 फुट होता है। 30-30 साल के हो जाते हैं, माँ फिर भी शलवार में इलास्टिक डाल के देती, क्योंकि अगर इनको नाड़ा डाल के दे दो तो जमीन पे साथ घिसा जाते हैं, क्योंकि इतने गिटके होते हैं। लंबी लड़कियों को क्या करना है, ऊंट को सुरमा लगवाने या दीवार पे इश्तिहारात लगवाने, या फिर शादी के बाद बोलने बेगम मैंने बचपन में लच्छे नहीं खाए, मेरे को जाले उतार के दे दो, मैंने ये खाने। साले लंबी लड़की ने घुमा के एक चमाट मारी ना, 3 दिन गोल गोल घूमोगे, चौथे दिन पूछोगे मैं कहाँ हूं मैं कहाँ हूं मैं कहाँ हूं। कोई भी गंदी गाली सोच लो और समझो मैंने तुम्हें दे दी। लड़कियां भी ना पूरी पागल होती हैं। 10,000 रुपये का जोड़ा लेकर, 5,000 का जूते लेकर और 2,000 का मेकअप थोप के शादी में लोगों से पूछ रही होती हैं, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। पागल औरत जब 10-15 हज़ार रुपये जाया कर लिए, 150 रुपये का साथ शीशा भी ले लेती ना, कुछ का तो मेकअप कर करके दिमाग खराब हो गया, साइको होगी। गली में मुर्गियों को पकड़ के घर ला के उनकी लिपस्टिक लगा रही थी। शादी में हाथ पीले अच्छे लगते हैं, चोंच नहीं। आंटी रुखसाना का मुर्गा गली में घूमता रहता, देख लिया कभी ना इस कोजी शक्ल को तो कर देगा रिजेक्ट, बैठी रहे ना फिर घर में पगली कहीं की। सीधे तो हम लड़के होते हैं, 15 रुपये का रेजर लिया, छा छा छू छी छी, माँ कसम एक हफ्ते तक लश्कारे नहीं जाते और किसी से पूछते भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ना हम हैंडसम लग रहे हैं। सॉरी भाई ये अंदाज़ से दिखता नहीं है। आयो प्यारी लड़कियों, ठरकी लड़के तुम्हें फंसाने के लिए और तुम्हारा लवर तुम्हें मस्का लगाने के लिए बार बार तुम्हें बोलेंगे तुम प्यारी लग रही हो, तुम शहजादी लग रही हो, लेकिन तुम लोगों ने बिल्कुल सीरियस नहीं लेना बेटा, बार बार शीशा देखते रहना और इस वीडियो के पहले 2 अल्फाज को तो बिल्कुल सीरियस नहीं लेना। मेरी जीएफ की बर्थडे थी, कह रही थी कोई ऐसा गिफ्ट दो कि मैं सारी जिंदगी याद रख सकूं। मैंने धोखा दे दिया, सारी जिंदगी याद रखेगी साड़ी। दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हम, ओ मामा जी स्टैंड चुक लो, मुजरे विच बची ते चुक लैन दे स्टैंड, ताड़े कल चुके नहीं जाते। ओ वजी ये नहीं दा, ओ वजी ओ आंटी जी दुपट्टा चुक लो। ओ मैं ते आला 16 साल दी आंटी, कृष्णा क्या कंजरा। ओ मेरी 52 साल आड़ी बच्ची, तड़ी मेहरबानी दुपट्टा चुक ले तू। चाचा जी पोस ते धूम 3 आला देता है, आगो बत्ती भी बंद कर लो, दुनिया नु लो तुसी देनी है। की बनूगा इस आवाम दा यार। मुझे लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे की ओवर ड्रामेबाजी से प्रॉब्लम है। अगर पब्लिक में हंसेंगी तो ये क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने जनरेटर की गिरारी फंस गई हो। अगर हंसने हम लड़कों की तरह दिल खोल के हंसो, अगला बंदा कंफ्यूज हो जाए, साला किसी का कुत्ता खोले या कहीं पे ट्रैक्टर स्टार्ट हो रहा है। और जब भी किसी लड़की ने गाड़ी ठोकी है तो गाड़ी के एक्सीडेंट के शोर से ज्यादा लड़की की चीख सुनाई देती है। अबे पागल की औलाद, जितनी जोर से तूने चीख मारी इतनी जोर से ब्रेक मारी होती तो एक्सीडेंट ही ना होता। और वो लड़की जो मोहल्ले के बच्चों से बिस्किट छीन के खाती है, वो भी शादियों में हीरोइन बन जाती। मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना, मैंने ये नहीं खाना, मैं डाइट पे हूं। साली की सेहत ऐसी होती है कि कैटरिंग के तंबू के नीचे लगा हुआ लोहा कौन सा है और वो कौन सी है, इन दोनों का फर्क नहीं किया जा सकता। बड़ी आई हीरोइन की औलाद। पिछले कई महीनों से लाहौर वाले पिंडी वालों को गालियां निकाल रहे हैं, पिंडी वाले लाहौर वालों को गालियां निकाल रहे हैं, बीच में एक बदनाम होके फेमस होने वाली सियालकोटी बांदरी अलग छलांगियां मार रही, मिया जी सियालकोट सियालकोटन तड़ी पहन जी श्री। साड़ियों नाखून रगड़ रगड़ के घिस गए, ना तो किसी ने किसी का सर फाड़ा, ना तो किसी ने किसी के दांत तोड़े, ना तो किसी ने किसी की नासों में उंगलियां देके सड़क पे घसीटा, बस उंगलियों से ठपाई ठपाई, भाई सर वर फाड़ो, मुंह तोड़ो, कत्ल करो एक दूसरे को, कुछ एंटरटेनमेंट हम ऑडियंस को भी तो मिला ना। तुम लोगों की इन चमनी और बेगैरतियों की वजह से जब टिकटॉक बैन होता है फिर रो रहे होते, गवर्नमेंट को फरियादे कर रहे होते, हाय टिकटॉक बैन कर दिया हमारा टैलेंट, टैलेंट ना बाबा जी के ठुल्लू, तेरी बंस की आंख नकाम के नकाच के दुश्मन टैलेंट के। नाम पापा की परी, वजन 92 किलो, ख्वाहिश पलकों पे बैठना।
वाह क्या कमाल का कॉन्फिडेंस है इन लड़कियों का। दो तेरी बैंस की आंख लसूड़ी है मनुष कहीं की चुड़ैला। ये जो लड़की सफेद कपड़े पहन के रेड लिपस्टिक लगा के खुद को परी समझ रही थी ना, मैं कसम पूरी एम्बुलेंस लग रही थी एम्बुलेंस। परियों का नाम बदनाम करने वाली चुड़ैलों का मुंह वैसे ही अदरक जैसा होता है, ऊपर से नाराज होकर मुंह सुझा लेंगे तो बिल्कुल सड़ा हुआ प्याज बन जाती। और बात बात पे एक ही बात होगी, तेरे और मेरा तो कोई मैच ही नहीं है। मैच तो तेरे मुंह और तेरे पांव का भी नहीं है, फिर भी कंप्रोमाइज करके रह रहे ना। तेरी बैंस की आंख लसूड़ियों। मेरे बाबा जान ने मुझे घर से निकाल दिया, कहते हैं हम तुम्हें स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं या आशिकियां सीखने के लिए भेजते हैं। यार आप लोग खुद छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं की उर्दू की किताबें उठाओ, उनके लास्ट चैप्टर सारे आशिकी के शेर और गजलों से भरे हुए। अब के बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, ख्वाबों में चाचा शीदा थोड़ी मिले, कमाशों की मिलेगी ना। जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले, वो फूल हमें चाचा सिकंदर पराठों वाले ने तो नहीं दिया होगा ना, मशहूर की नहीं दिया होगा। वही से तो शेर सीख सीख के मैंने लेटर में लिख के लड़कियों को भेजे। हाँ वो अलग बात है, जब वो दसवीं तक पहुंची उन्होंने देखा कि वो मैंने अपनी किताब से लिखे, हमारा ब्रेकअप हो गया। शेर लिखे एजुकेशन वालों ने, सिखाया टीचर ने, अब जब हम उन पे अमल कर रहे हैं, सीखते ही हम इसीलिए कि हम अमल करें, तो बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। वाह भाई वाह।